volunteer. नमस्कार दोस्तों, आपसे मुखातिब हूँ जागरण संवादी के इस खास सेगमेंट में जिसका शीर्षक बड़ा ही दिलचस्प है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। मोहब्बत की अजीम शायर फैज अहमद फैज ने कहा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। और हाल में हमारे केदार जी कह गए हैं, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को हाथ की तरह नर्म और सुंदर होना चाहिए। प्रेम की बात हो तुम अज्ञेय को कैसे भूल सकते हैं, तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध आती है। दोस्तों ये है इश्क का जादू, जहाँ पर तसव्वुर भी महकते हैं और ख्वाबों से भी खुशबू आती है। और ये क्यों ना हो, प्रेम इंसान की कुदरती प्यास है, रूह की प्यास है। और मुझे लगता है आप सब भी इससे सहमत हैं कि प्रेम से ही उपजते हैं सत्य अहिंसा और न्याय। और अगर हम साहित्य की बात करें, इतना बड़ा साहित्य उत्सव है, साहित्य की दृष्टि से देखें तो प्रायः हर साहित्यकार अपनी कविता या अपनी कथा तक, अपने साहित्य तक प्रेम के रास्ते से ही पहुंचा है। चाहे मारे गए गुलफाम हो, चाहे वो जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार हो, या कालजयी रचना उसने कहा था, या मेरे प्रिय कवि की रचना जो आप सब भी जानते हैं बद्री नारायण जी की प्रेत आएगा, सब में प्रेम की, उत्कट प्रेम की बात है, पीड़ा है और फिक्र है। आज हमारे साथ मंच पर हिंदी साहित्य की नामचीन हस्तियां मौजूद हैं, चर्चित नाम हैं, आप उन सब से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। आज हम इनसे, मैं इन्हें बता दूं, इनसे हम इनके साहित्य की, इनकी पुस्तकों की बात कम करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ मोहब्बत की। और मुझे लग रहा है कि ये एक ख़ास मौका होगा जब आप इनके मंतव्य को कुछ अलग तरह से, एक मैंने आज़ादी दी है कि वो अपने किताबों के बजाय उससे बाहर निकलकर केवल प्रेम पर बात करें, मोहब्बत पर बात करें। और मेरे पास बैठे हैं गिरेंद्रनाथ जी, सबसे पहले आप सभी विशेषज्ञों का तहे दिल से स्वागत, और मित्रों जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें। गिरेंद्रनाथ जी हमारे युवा साहित्यकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सीधा साधा सवाल, जो हमारे शीर्षक से जुड़ा है, मोहब्बत क्या है,